हिमाचल विंटर सेशन के तीसरे दिन गुरुवार को विपक्ष ने बाल्टियों में दूध भरकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक स्तर पर किसानों की तरह पगड़ी बांधकर हाथ में दूध की बाल्टियां लेकर तपोवन धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान बीजेपी विधायक 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचने लगे और कांग्रेस सरकार को उनका किया वादा याद दिलाया। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीद की गारंटी दी थी, मगर अभी यह गारंटी पूरी नहीं की गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सरकार को एक एक कर गारंटियां याद दिला रहा है, किसान दूध खरीद का इंतजार कर रहा है, सरकार अपनी गारंटी भूलना चाह रही है, लेकिन विपक्ष उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। इससे पहले दो दिन में भी भारतीय जनता पार्टी अनोखे अंदाज में विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर चुकी है। पहले दिन बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस की 10 गारंटियों का चोला पहनकर प्रदर्शन किया। दूसरे दिन टोकरियों में गोबर रखकर सरकार को उसकी गारंटी याद दिलाई।